तो हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, जो लेबर की स्टेजेस हैं उनकी। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले इसमें होता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जो सेकेंड स्टेज होती है वो सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बेबी के बर्थ तक होती है। तो इसमें सबसे पहले यूटेराइन एक्शन देखते हैं। तो यूटेराइन एक्शन में क्या होता है कि जो फुल सर्वाइकल डायलेशन के बाद में यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग और लॉन्गर हो जाता है, बट मेम्ब्रेन के रप्चर और फीटल एक्सिस प्रेशर के कारण हेड का फ्लेक्शन होता है और यूट्रस डिस्टेंड हो जाता है और यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एक्सपल्सन हो जाता है और मदर को फीटस पुश करने की अर्ज होने लगती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गर बट मे बी लेस फ्रीक्वेंट, अलाउ बोथ मदर एंड फीटस रेगुलर रिकवरी पीरियड। द मेम्ब्रेन ऑफर रप्चर स्पॉन्टेनियसली टूवर्ड द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड ड्यूरिंग ट्रांजिशन टू द सेकेंड स्टेज। द कॉन्सिक्वेंटली ड्रेनेज ऑफ लिक्वर अलाउ द हार्ड राउंड फीटल हेड टू बी डायरेक्टेड अप्लाई टू द वेजाइनल टिश्यू। दिस प्रेशर एड डिस्टेंशन। फीटल एक्सिस प्रेशर इंक्रीज फ्लेक्शन टू द हेड विच रिजल्ट इन ए स्मॉलर प्रेजेंटिंग डायमीटर, मोर रैपिड प्रोग्रेस एंड लेस ट्रोमा टू बोथ मदर एंड फीटस। यूटेराइन एक्शन, द कॉन्ट्रेक्शन बिकम एक्सपल्सन एज द फीटस डिसेंड फर्दर इन टू द वेजाइना। प्रेशर इन टू द प्रेजेंटिंग पार्ट स्टिमुलेट नर्व रिसेप्टर इन द पेल्विक फ्लोर। दिस इज टर्म द फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स एंड द वुमेन एक्सपीरियंस द नीड ऑफ पुश। द मदर रेस्पॉन्स इज टू एम्प्लॉय हर सेकेंडरी पावर ऑफ एक्सपल्सन बाई कॉन्ट्रैक्टिंग हर एबडोमिनल मसल्स एंड डायफ्राम। सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, एज द हार्ड फीटल हेड डिसेंड एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पेल्विक बिकम डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली ब्लैडर। मतलब क्या होता है कि इसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो उनका भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, जो हार्ड फीटल हेड का डिसेंट होता है उस वजह से तो जो पेल्विक के जो भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे कि एंटीरियरली ब्लैडर होता है उसका भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। पोस्टीरियरली रेक्टम, ठीक है, रेक्टम और एनस और ठीक है और द लिवेटर एनआई मसल्स एंड पेरिनियल बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इन इन स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, फीटल हेड बिकम विजिबल एट द वल्वा एडवांसिंग ईच कॉन्ट्रेक्शन एंड रिसीडिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन अंटिल क्राउनिंग टेक प्लेस। द हेड इज देन बोर्न, द शोल्डर एंड द बॉडी फॉलो विद द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एकम्पनाइड बाई गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एंड समटाइम्स ऑफ ब्लड। द सेकेंड स्टेज कल्मिनेट्स इन द बर्थ ऑफ द बेबी। प्रिसम्प्टिव साइन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, कौन कौन से हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के प्रिसम्प्टिव साइन? एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, रप्चर ऑफ फोर वाटर, डायलेशन एंड गास्पिंग ऑफ एनस, अपियरेंस ऑफ रोम्बोइड ऑफ मिशेलस एंड शो एंड अपियरेंस ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। एंड उसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर ही सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का सेकेंड स्टेज लेबर की सेकेंड स्टेज में होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसमें कि जैसे फीटस डिसेंड होता है तो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स की सीरीज के द्वारा
तो सॉफ्ट टिश्यू और बोनी स्ट्रक्चर के प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिससे फीटस बर्थ कैनाल में डिसेंड होता है, और इन्हीं सभी मूवमेंट्स को कलेक्टिवली मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, और वेजाइनल डिलीवरी के दौरान फीटल प्रेजेंटेशन, पोजिशन, साइज ईजिली असेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले पेल्विस हमने पढ़ा था, लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस, पेल्वी फिक्स पॉइंट, इसमें जो है सेक्रल प्रोमिनेंस है, उसके बाद में सेक्रल आला है, सेक्रोइलिक जॉइंट है, सेक्रोपेक्टिनियल लाइन है, सेक्रोपेक्टिनियन एमिनेंस है, और सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिक बोन एंड सिंपाइसिस प्यूबिस। उसके बाद में डायमीटर ऑफ पेल्विस है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर एंड ओब्लिक डायमीटर। देन उसके बाद में फीटल स्कल की बोन एंड इसकी पोजिशन, जिसमें कि सिंसिपुट, वर्टेक्स एंड ऑक्सीपुट। ठीक है, और इसके डायमीटर्स है ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो मेंटल, ठीक है, और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। देन लाई क्या होता है, इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रलाइज यूट्रस इन मैटरनल स्पाइन। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। एज द फीटर डिसेंड, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोनी स्ट्रक्चर एक्सर्ट प्रेशर विच लीड टू डिसेंड थ्रू द बर्थ कैनाल बाय द सीरीज ऑफ मूवमेंट। कलेक्टिवली दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इन मैकेनिज्म के, okay? तो वो देखते हैं, डिसेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द लेबर। ठीक है, विच एवर पार्ट लीड द फर्स्ट मीट द रेजिस्टेंस ऑफ द पेल्विक फ्लोर विल रोटेट फॉरवर्ड अंटिल इट बिकम अंडर द सिंपाइसिस प्यूबिस एंड वॉट एवर इमर्जेस फ्रॉम द पेल्विस विल पाइवट अराउंड द प्यूबिक बोन। तो फीटस का जो भी पार्ट लीड करता है वो पेल्विक फ्लोर को टच करता है, और वो पार्ट तब तक रोटेट होता रहता है जब तक कि वह सिंपाइसिस प्यूबिस के नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, और जो भी पार्ट पेल्विक के बाहर निकलता है वो प्यूबिक बोन के पास पाइवट हो जाता है। और ठीक है, उसके बाद में कुछ 6 कंसिडरेशन होते हैं नॉर्मल लेबर के, जैसे कि द लाई इज लॉन्जिट्यूडिनल, प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, पोजिशन इन राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, एंड एटीट्यूड इज वन ऑफ द गुड फ्लेक्शन, एंड डिनोमिनेटर इज द सिंसिपुट, एंड प्रेजेंटिंग पार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर पैराइटल बोन। देन कार्डिनल मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन या रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड लेटरल फ्लेक्शन। तो ये कार्डिनल मूवमेंट्स हैं, फीटल मूवमेंट्स हैं ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, इन मूवमेंट्स के थ्रू लेबर की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले है हेड फ्लोटिंग बिफोर एंगेजमेंट। ठीक है, जो हेड है वो फ्लोटिंग ही कर रहा है बेबी का बिफोर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट नहीं हुआ है अभी हेड का। तो सबसे पहले एंगेजमेंट, द मैकेनिज्म बाय विच द बाई पेराइटल डायमीटर द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर्स डायमीटर इन द ऑक्सीपिट प्रेजेंटेशन पासिस थ्रू द पेल्विक इनलेट एंड डिजाइनेटेड एंगेजमेंट। देन डिसेंट, तो डिसेंट क्या होता है, दिस मूवमेंट इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ द बर्थ ऑफ द न्यूबॉर्न। फीटल हेड का डिसेंट लेबर ऑनसेट से पहले शुरू हो जाता है, और फर्स्ट स्टेज के दौरान यूटेराइन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शन के कारण फीटस और यूट्रस में एडिक्वेटली रूम नहीं मिल पाता है, तो फीटस डिसेंट होता रहता है। ठीक है, फॉलोइंग रप्चर ऑफ द फोरवाटर एंड द एक्सर्टन ऑफ मेटरनल इफेक्ट एंड प्रोग्रेस स्पीडअप। उसके बाद में ये है एंगेजमेंट,
ये डिसेंट फ्लेक्शन। उसके बाद में फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन क्या होता है कि थ्रू आउट लेबर इंक्रीज होता रहता है, फीटल स्पाइन और स्कल के पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेशर बढ़ता रहता है और फीटल एक्सेस प्रेशर के कारण यह प्रेशर ओक्सीपुट पर बढ़ता है और फीटस का फेस स्टर्नम की ओर झुकता रहता है, ठीक है। और फीटस का जो हेड होता है वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर में आ जाता है, ठीक है। और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड क्या होता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन और कंटिन्यूस डिसेंट के कारण फीटल का लीडिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर की ओर डाउनवर्ड पुश होता है और पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस और पेल्विक फ्लोर की स्लोप के कारण फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट इंटीरियरली रोटेट होता है और फॉरवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजिशन में फीटस हेड 1/8 मूवमेंट करके रोटेट होता है और ऑक्सीपुट सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द हेड नाउ लाई इन द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट, ऑक्सीपुट स्लिप बीनीथ द सब प्यूबिक आर्क एंड क्राउनिंग अकर व्हेन द हेड नो लॉन्गर रेसिड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड द वाइडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर इन बोन। फ्लेक्शन ऑफ द मेंटेन एंड ऑक्सीपिटो ब्रैगमेट्री डायमीटर यूजली डिस्टेंडेड एंड वेजाइनल ओरिफाइस। तो ये है इंटरनल रोटेशन एंड उसके बाद में है कंप्लीट रोटेशन या बिगिनिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से पहले की पोजीशन है फीटल हेड की। उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ हेड, एक्सटेंशन ऑफ हेड में क्या होता है, वंस क्राउनिंग अकर हैज अकर द फीटल हेड कैन एक्सटेंड पाइवोटिंग ऑन द सब ऑक्सीपिटो रीजन अराउंड द प्यूबिक बोन। तो क्राउनिंग के बाद में फीटल हेड जो होता है एक्सटेंड हो जाता है और प्यूबिक बोन के सामने पाइवोट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में सिंसिपुट फेस चिन और पेरिनियम को स्वाइप करते हुए हेड एक्सटेंशन के द्वारा रिलीज होता है। तो क्राउनिंग क्या होता है कि जो हेड की इंटरनल रोटेशन और डिसेंट के कारण सब ऑक्सीपिटो प्यूबिक आर्क में आ जाता है और हेड बिना कॉन्ट्रैक्शन के वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता हुआ बाहर दिखाई देता है। इस कंडीशन को क्राउनिंग ऑफ हेड कहते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ हेड में क्या होता है, क्राउनिंग के बाद की कंडीशन है जिसमें फीटल हेड एक्सटेंड हो जाता है और प्यूबिक बोन के सामने पाइवेट होता है। तो ये है हेड के एक्सटेंशन का डायग्राम जिसमें कि फीटल हेड एक्सटेंड हो रहा है, जिसके इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि जो सिंसिपुट और फेस और चिन तीनों पेरिनियम को स्वाइप करते हुए हेड एक्सटेंशन के द्वारा रिलीज हो रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि हेड की इंटरनल रोटेशन के बाद में फीटस की नेक ट्विस्ट हो जाती है, जिसको करेक्ट करने के लिए ऑक्सीपुट 1/8 सर्कल में उसी दिशा में घूम जाता है जिस ओर से रोटेशन करना शुरू हुआ था, ठीक है। ये है रेस्टिट्यूशन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसके अंदर जो है ऑक्सीपुट भी 1/8 सर्कल में घूमता है। इसके बाद में इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। हेड की डिलीवरी के बाद में शोल्डर लीडिंग पार्ट होता है
और पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस के कारण एंटीरियर शोल्डर फॉरवर्डली मूवमेंट करता है, जिससे कि वह सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है और उसी समय पे हेड का रेस्टिट्यूशन इसी हेड के रेस्टिट्यूशन की तरह सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल रोटेशन होता है और ऑक्सीपुट और शोल्डर दोनों ही एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाते हैं। उसके बाद में लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन में क्या होता है कि दोनों शोल्डर सिक्वेंटली डिलीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो दोनों शोल्डर जो होते हैं सिक्वेंटली एक के बाद एक डिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कि वेजाइनल ओरिफाइस का डायमीटर कम डिस्टेंट होता है और एंटीरियर शोल्डर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है और पोस्टीरियर शोल्डर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता हुआ बोर्न होता है और बाकी बॉडी का पार्ट लेटरल फ्लेक्शन से स्लाइड होता हुआ बोर्न होता है। इसमें आप देखिए डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर एंड डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर, देन सेकेंड स्टेज एंड विद डिलीवरी ऑफ बेबी। उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि दिस स्टेज बिगनिंग इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द फीटस एंड इन्वॉल्व द सेपरेशन एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन इन्वॉल्विंग द सेपरेशन एंड डिसेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड कंट्रोल द हेमरेज फ्रॉम द प्लेसेंटल साइट। द थर्ड स्टेज यूजली लास्ट बिटवीन 5 to 15 मिनट बट एनी पीरियड अप टू 30 मिनट इज कंसिडर्ड टू बी विद इन नॉर्मल लिमिट्स। एज द न्यूनेट इज बोर्न मैकेनिकल फैक्टर्स एज द न्यूनेट इज बोर्न यूट्रस स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट अराउंड द डिमिनिस कंटेक्स्ट द यूट्रस फंडस नाउ लाई जस्ट बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस थस बाय द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेज द प्लेसेंटल साइट हैज ऑल ऑलरेडी डिमिनिश्ड इन एरिया बाई अबाउट 75%। एज द अकर द प्लेसेंटा बिकम कंप्रेस एंड द ब्लड इन इन द इंटरविलस स्पेस इज फॉर्म्ड बैक इन टू द स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डेसिडुअल वेसालिस। रिट्रैक्शन ऑफ द ओब्लिक यूटेराइन मसल्स फाइबर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स सो दैट ब्लड डज नॉट ड्रेन बैक इन टू द मेटरनल सिस्टम द वेसल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस बिकम टेंस एंड कंजस्टेड विद द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन द डिस्टेंडेड वेन बर्स्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड सीप्स इन बिटवीन द थिन सेप्टा ऑफ द स्पॉन्जी लेयर एंड द प्लेसेंटल सरफेस स्ट्राइपिंग इट फ्रॉम द अटैचमेंट एज द सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा अटैचमेंट रिड्यूस द रिलेटिवली नॉन इलास्टिक प्लेसेंटा बिगनिंग टू द डिटैच फ्रॉम द यूटेराइन वॉल। तो सबसे पहले किन किन मेथड से जो है प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है सेपरेशन होता है, तो पहला है सुलजे मेथड। सुलजे मेथड में क्या होता है सेपरेशन यूजुअली बिगिन सेंट्रली सो दैट द रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट इज फॉर्म। तो सुलजे मेथड में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो सेंट्रली होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस में प्लेसेंटल साइट में से प्लेसेंटा अलग होने की प्रोसेस को सेंटर से शुरू होती है, जिसमें यूटेराइन साइनसेस ओपन होने के कारण प्लेसेंटा और यूटेराइन वॉल के बीच में ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है और इसे रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बोलते हैं। और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने पे
रिट्रो प्लासेंटल क्लोट जो होते हैं उनका वेट इंक्रीज हो जाता है, और जिससे दबाव के कारण प्लेसेंटा क्लोट से प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो उन प्रेशर के कारण प्लेसेंटा यूट्रस से सेंट्रली डिटेच हो जाएगी और धीरे धीरे रिट्रो प्लेसेंटल क्लोट के बढ़ते हुए प्रेशर के कारण प्लेसेंटा और इसकी मेम्ब्रेन पूरी तरह से यूट्रस से अलग हो जाती है। उसके बाद में दूसरा जो मेथड है वो है मैथ्यू डनकेन मेथड या फिर मार्जिनल सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा का सेपरेशन बिना किसी सपोर्ट के प्लेसेंटा मार्जिन से शुरू होता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण प्लेसेंटा के मार्जिन का सेपरेशन भी प्रोग्रेस करता है और धीरे धीरे पूरी तरह से यूट्रस से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें डायग्राम में डनकेन मैकेनिज्म, जिसमें कि मार्जिनल सेपरेशन हो रहा है प्लेसेंटा का, और दूसरा है सुलजे मेथड जिसमें कि सेंट्रली सेपरेशन हो रहा है। देन सेपरेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है, जनरली लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स बेबी के बर्थ के बाद में सेपरेट हो जाती है, लेकिन अपर सेगमेंट में मेम्ब्रेन यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन और डिटेच प्लेसेंटा के वजन के कारण अपने आप अलग हो जाती है। ठीक है, तो ग्रेट डिक्रीज इन द यूटेरिन कैविटी सरफेस एरिया साइमल्टेनियसली थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन द एमनियन कोरियन एंड द पैराइटल डेसिडुआ इनटू इन्यूमरेबल फोल्ड। मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन इन सीटू अंटिल प्लासेंटा सेपरेशन इज नियरली कंप्लीटेड। दीज आर द फील्ड ऑफ द यूटेरिन वॉल पार्शियली बाय द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम एंड द पार्शियली बाय ट्रेसिंग that the exerted by the separation placenta which lie in the lower segment of upper vagina। उसके बाद में है hemostasis, retraction of the oblique uterine muscles fiber in the upper uterine segment through which the tortuous blood vessels intervise, the resultant thickening of the muscles exert pressure on the tort vessels acting as clamp and securing the ligature action। Then vigorous uterine contraction following separation, this brings the walls into a position so that the further pressure is exerted on the placental site, there is transitory activation of the coagulation and fibrolytic system during the immediately following placental separation। Okay, thank you।